संसद में सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है और इस बार वजह बना है वक्फ संशोधन विधेयक 2024। 8 अगस्त को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही संसद में हंगामा मच गया। इस बार पहले से ज्यादा मजबूत विपक्ष को विरोध का एक और मौका मिल गया। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करना चाहती है। वहीं सरकार का कहना है कि ये बिल कुछ लोगों की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के साथ ही वक्फ बोर्ड के कामों में पारदर्शिता लाने का काम करेगा। आज की वीडियो में हम वक्फ से जुड़ी तमाम बातें जानने समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे वक्फ के इतिहास को, उससे जुड़े तमाम पहलुओं को और उससे जुड़े तमाम विवादों को, कि आखिर इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारटी। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे। सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? वोट वोट की आड़ में वाकई लैंड जिहाद किया जा रहा है। रिमूविंग वक्फ बाय यूजर, दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टी। सर, बोर्ड में गैस मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? There have been protests outside his Matoshri residence demanding that he make his position clear over the government's Waqf Act amendment. इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान में दे सकता है। दान की गई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। वक्फ घोषित हो जाने के बाद संपत्ति किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। हम इसे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी वयस्क व्यक्ति अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। मान लीजिए किसी के पास दो मकान है, जिसमें से एक को वक्फ कर देता है। ऐसे में उस जमीन पर उसका या उसके बच्चों का कोई भी मालिकाना हक नहीं रह जाता है, बल्कि अब वो अल्लाह की संपत्ति मानी जाएगी, जिसका उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाएगा। मकान, जमीन, कैश, किताब, शेयर जैसी कोई भी चल या अचल संपत्ति वक्फ की जा सकती है। खास बात यह है कि एक बार वक्फ हो जाने के बाद उस संपत्ति को किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इस संपत्ति के रखरखाव और संचालन के लिए एक बोर्ड होता है, जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वेबसाइट wakf.gov.in पर मौजूद जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य केवल मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को बनवाने के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मुसाफिर खानों का निर्माण और बंदोबस्त करना भी है। वेबसाइट के अनुसार पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में शिया और सुन्नी समुदाय के दो अलग अलग बोर्ड होने के चलते वक्फ बोर्ड की कुल संख्या 32 पहुँच जाती है। राज्य स्तर पर ये बोर्ड संपत्तियों का रखरखाव करते हैं। केंद्र स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड रेलवे और डिफेंस के बाद देश में सबसे बड़ा भूमि धारक है। डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एसेट्स की वेबसाइट dgd.gov.in पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक डिफेंस बोर्ड के पास लगभग 18 लाख एकड़ की जमीन है। वहीं इंडियन रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के पास लगभग 12 लाख एकड़ की जमीन है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है। बोर्ड के स्वामित्व में 8.7 लाख की संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा राज्य सरकार के सदस्य, मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान को शामिल किया जाता है। यहाँ से यह समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड एक निजी बोर्ड ना होकर के पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन है। वहीं केंद्रीय वक्फ काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होता है। काउंसिल को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। साल 1954 में संसद ने पहला वक्फ अधिनियम पारित किया था, जिसमें साल 1995 में संशोधन किया गया। साल 2013 में इसमें एक बार और संशोधन किया गया, जिसके चलते वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार हासिल हो गए थे। अब बात करते हैं हाल ही में पेश किए गए नए विधेयक की, जिसमें तमाम बदलावों को लेकर के संसद के अंदर और बाहर बवाल मचा हुआ है। विधेयक में संशोधन के तहत कई भागों को पूरी तरह खत्म करने और कुल मिलाकर के 44 संशोधन का प्रस्ताव है। विवाद को समझने के लिए जरूरी है कि हम नए विधेयक में प्रस्तावित मुख्य बदलावों को थोड़ा गहराई से समझ लें। प्रस्तावित संशोधन में सबसे ज्यादा विवाद उठ रहा है एक्ट के सेक्शन 40 को लेकर के। आइए समझते हैं वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 को। वेबसाइट indiancanoon.org पर मौजूद जानकारी के मुताबिक सेक्शन 40 के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ समझता है, तो उसे नोटिस दे करके और फिर जांच के बाद तय कर सकते हैं कि वो वक्फ की जमीन है या नहीं। वो ये भी तय कर सकते हैं कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड का ही फैसला अंतिम होता है। अगर बोर्ड के फैसले पर किसी तरह की आपत्ति या विवाद होता है, जिसके लिए सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल का
गठन करती है। ये ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। ट्रिब्यूनल बोर्ड के फैसले को संशोधित करने या फिर रद्द करने का अधिकार रखता है। खास बात यह है कि इसके फैसले को देश के किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फरवरी 2023 में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में जवाब देकर सेक्शन 40 को भी स्पष्ट किया था। नए विधेयक में ट्रिब्यूनल में कई बदलाव प्रस्तावित है। अभी तक ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर होगा, यानी अब जिला कलेक्टर ही तय करेंगे कि कोई भी संपत्ति वक्फ है या नहीं। विधेयक में एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ की सभी संपत्तियों को रिकॉर्ड करने का भी प्रस्ताव है। नए एक्ट के लागू होने के 6 महीनों के भीतर वक्फ बोर्ड को इस पोर्टल पर अपनी सभी संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज करना होगा। अभी तक वक्फ बोर्ड में CEO के पद पर किसी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। प्रस्तावित संशोधन में शर्त को हटा दिया गया है। साथ ही प्रावधान किया गया है कि CEO राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव के तहत इस एक्ट के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ये विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की भी बात करता है। प्रस्ताव है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य के वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी ही चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र को किसी भी वक्फ का लेखा परीक्षण यानी ऑडिट कराने का भी अधिकार मिलेगा। आज वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर भले ही सरकार और विपक्ष आमने सामने हो, लेकिन ये भी सच है कि वक्फ बोर्ड पर अक्सर विवादों के छींटे पड़ते रहे हैं। वक्फ बोर्ड और विवादों का पुराना नाता रहा है। हमने काफी रिसर्च किया और वक्फ बोर्डों से जुड़े कुछ प्रमुख विवादों की तह तक गए, तो आइए एक एक करके जानते हैं उन विवादों को। तमिलनाडु के पूरे गांव पर वक्फ का दावा, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं। साल 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुची जिले के तिरुचेंदुरई गांव में स्थित 1500 साल पुराने माने दिया वल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर अपना मालिकाना हक होने का दावा ठोक दिया था। The state Wakf Board claimed ownership of over 18 Hindu dominated villages in Trichy district. यही नहीं, उस गांव की 370 एकड़ की पूरी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया गया था। इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब एक गांव के किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई जब उसे रजिस्ट्रार दफ्तर से बताया गया ये जमीन उसकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। बेंगलुरु ईदगाह मैदान विवाद। साल 2022 में ही बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को लेकर के वक्फ बोर्ड जिला प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया था। असल में बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने ईदगाह मैदान को राजस्व विभाग की संपत्ति घोषित की थी, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में उतर आया था। बोर्ड का कहना था कि उसकी संपत्ति है। संयुक्त आयुक्त ने बोर्ड से मैदान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने को कहा था, लेकिन बोर्ड ऐसा करने में विफल रहा था, जिस पर राजस्व विभाग को इस संपत्ति का मालिक घोषित कर दिया गया। सूरत नगर निगम विवाद। साल 2015 में अब्दुल्ला जारुल्लाह ने इसे वक्फ की संपत्ति होने का आवेदन दे दिया। साल 2016 में सूरत में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। सूरत के अब्दुल्ला जरुल्लाह नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की कि सूरत नगर निगम कार्यालय के भवन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया जाए। साल 2021 में गुजरात वक्फ बोर्ड ने इस भवन को वक्फ संपत्ति के रूप में रजिस्टर भी कर लिया, लेकिन सूरत नगर निगम इस फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल चला गया और लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 3 अप्रैल 2024 को ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया। अब ये विवाद तो महज एक झलकी है, असल में तो विवादों से जुड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर हम उन पर बात करने लगे तो समय ही कम पड़ जाएगा। हालांकि सरकार बहुत कुछ स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन विरोध थम नहीं रहा है। या तो विरोधी बात को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर वो समझना ही नहीं चाह रहे, लेकिन उन्हें समझना होगा कि विरोध का वजूद तभी तक है जब तक वो तार्किक है। अतार्किक विरोध ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। तो चलिए हम नए विधेयक में प्रस्तावित कुछ ऐसे बदलावों पर बात करते हैं जिनका स्वागत किया ही जाना चाहिए। आखिर लगभग 9.5 लाख एकड़ की संपत्ति के लिए बेहतर नियम और कानून क्यों नहीं चाहिए? नियम समय के साथ पुराने पड़ जाते हैं और उनका नाजायज इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है, इसलिए संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया है। सेंट्रल और डिजिटल डेटाबेस इसी की तरफ उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। नए विधेयक के तहत अब किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यकीनन इससे वक्फ बोर्डों की मनमानी और निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सकेगा। साल 2013 से वक्फ बोर्डों की संपत्तियों में हरत अंगेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उस साल वक्फ एक्ट में किया गया संशोधन, जिसके चलते वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां हासिल हो गई। उन्हें ये अधिकार मिल गया है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकते हैं और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील भी नहीं की जा सकती। उन्हें अधिकार हासिल हुआ एक्ट के सेक्शन 40 के तहत, लेकिन नए विधेयक में इस सेक्शन 40 को ही खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही अब वक्फ बोर्ड के फैसले को चुनौती दी जा सकेगी। अदालत के होते हुए इस देश में किसी अन्य संस्था का फैसला अंतिम नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से यह बदलाव हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। इसी तरह जब देश में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भागीदारी का अधिकार न मिलना एक सभ्य समाज के लिए कतई अस्वीकार होना चाहिए। नए विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सेंट्रल काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है। यही नहीं, इसमें मुस्लिम समुदाय के शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े नियम
बहुत जटिल है, इसलिए कोई भी संशोधन लागू करने से पहले सरकार को उस पर भली भांति विचार करना होगा। जल्दबाजी करने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। जरूरत है इससे जुड़े सभी पक्षों को समझने और समझाने की। कुछ भी करने से पहले मुस्लिम समुदाय और वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों को भरोसे में लेना होगा। सरकार को याद होना चाहिए कि उनके कृषि बिल का क्या अंजाम हुआ था, इसलिए उसे छांच भी फूंक फूंक करके पीना चाहिए। सरकार को यह भी तय करना होगा कि किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रभावित ना हो। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार सरकार टकराव के मूड में नहीं दिख रही है, बजाय इसके सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि ये बिल संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजी जाएगी। ये कहीं बेहतर विकल्प है, क्योंकि इससे अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भी नया बिल पास होगा तो समाज के लिए बेहतरी के द्वार ही खुलेंगे। हम किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन हाँ, धर्म और धार्मिक संस्था के नाम पर होने वाली मनमानी और निरंकुशता का सख्त विरोध भी करते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।